हेलो फ्रेंड्स, आहा जिंदगी एडुकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 10 साइंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आपके, What is the difference between the manner in which movement takes place in a sensitive plant and the movement in our legs? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। अब डिफरेंस दोनों के बीच बताना है हम लोगों को, तो हमने क्या किया, मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट्स को एक तरफ रख लिए, ठीक है, और मूवमेंट इन आवर लेग्स को एक तरफ रख लिए। ठीक है, अब दोनों का जो है एक एक करके हम लोग पॉइंट डील करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों को आएगा, फर्स्ट पॉइंट, मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग सभी लोग परिचित होंगे माई मोसा पुडिका प्लांट से। ठीक है, तो माई मोसा पुडिका प्लांट जो है, ये मैं आपको साइंटिफिक नेम से बता रही हूँ, वैसे आप लोग सबको पता होगा माइमोसा पुडिका प्लांट क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में नॉर्मल भाषा में छुई मुई बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, छुई मुई के प्लांट में क्या होता है, आप जैसे ही छुई मुई के प्लांट को टच करेंगे, उसके जिस पार्ट को आप टच करेंगे, तुरंत उसका क्या होता है, एकदम क्विक होता है, मुरझा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसमें जो आपने छुआ, उसको आपने टच किया, और प्लांट ने जो अपना रिस्पॉन्स दिखाया। ठीक है, चलिए हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, द मूवमेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट, ठीक है, सेंसिटिव प्लांट सच एज माइमोसा पुडिका, ठीक है, सच एज माइमोसा, सॉरी यहाँ आपका ये कैपिटल होता है, हमेशा जब भी साइंटिफिक नेम लिखा जाता है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट नेम जो होता है कैपिटल में होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, माइमोसा पुडिका, यहाँ जो होते हैं ये जो होते हैं सेकेंड नाम जो होते हैं हमेशा स्मॉल में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पुडिका अकर्स, सॉरी ठीक है, तो माइमोसा पुडिका अकर्स इन रेस्पॉन्स टू टच, ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू टच, क्या चीज को वो रेस्पॉन्स किया, टच को, यानी टच में क्या हुआ, जैसे ही टच किए तो उसको कुछ अनुभव हुआ, यानी स्टिम्यूलस उसमें पैदा हुआ। ठीक है, इसको आप यहां लिख सकते हैं स्टिम्यूलस। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट्स के बारे में। हम लोग फर्स्ट पॉइंट मूवमेंट इन आवर लेग्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, मूवमेंट इन आवर लेग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस। ठीक है, अपने चाहत से हम लोग कभी भी पैर को हिला सकते हैं, कभी भी पैर को आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो लेग का मैं यहाँ आपको नोट डाउन करती हूँ। ठीक है, मूवमेंट इन आवर लेग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंटरी एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ
एक्शंस, ठीक है। अब आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट्स, ठीक है। अब अगर सेंसिटिव प्लांट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए, फॉर दिस मूवमेंट द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स एज प्लांट्स टू डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। फॉर दिस मोमेंट द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, ठीक है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है, सेल टू सेल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स एज प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ठीक है। प्लांट्स के पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते हैं कंडक्शन ऑफ इंपल्स के, ठीक है। डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम लोग लेग्स में, सेकेंड पॉइंट में, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें क्या होता है, द सिग्नल्स और मैसेजेस फॉर दीज एक्शंस आर पास्ड टू द ब्रेन एंड हेंस आर कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, ठीक है, ब्रेन के द्वारा इसमें कंट्रोल होता है, ठीक है। चलिए, द सिग्नल और मैसेजेज फॉर दिस एक्शन दिस एक्शंस आर पास्ड टू द ब्रेन and hence are consciously controlled, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट्स के बारे में, तो थर्ड पॉइंट में देखिए हम लोग देखते हैं सेंसिटिव मूवमेंट्स जो होता है उसमें क्या होता है, द प्लांट विल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, ठीक है। मतलब वाटर का अमाउंट अगर चेंज होता है तो उसका क्या होता है, मूवमेंट भी चेंज होता है, उसका सेंसिटिविटी भी चेंज होता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करते हैं हम लोग, फॉर दिस मूवमेंट to occur the plant cells change shape
by changing the amount of water, ठीक है, amount of water in them, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हुआ। अब हम लोग अगर मूवमेंट इन आवर लेग्स की बात करें तो उसमें थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो क्या होता है, देखिए एनिमल में क्या होता है, मसल्स होते हैं, ठीक है। तो इन एनिमल मसल सेल्स सम प्रोटीन्स आर फाउंड व्हिच अलाउ द मूवमेंट टू अकर, ठीक है। एनिमल के मसल्स में प्रोटीन होते हैं जो कि मूवमेंट को अलाउ करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। इन एनिमल सेल्स सम प्रोटीन प्रोटीन्स आर फाउंड विच अलाउ द मूवमेंट टू अकर, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट आपके जो हैं, मैं आपके साथ डिस्कशन किए मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट्स के, वैसे ही मैं तीन पॉइंट मूवमेंट इन आवर लेग्स की बात की, ठीक है। तो यहीं पे आपके जो हैं क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चंस के आंसर को पाने के लिए आपको आहा जिंदगी एडुकेयर चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक अगर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, उस लिंक को आप क्लिक करें और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन प्लस 8 to 12 मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स।